हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि कक्षा 10 के गणित का है, चैप्टर नंबर है 13 स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। तो यहाँ पर आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर प्रेजेंट हुए हैं। अभ्यास है 13.1 और क्वेश्चन नंबर ए। क्या है ये क्वेश्चन? किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई तथा उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है और ये हमको एक टेबल दी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमसे इस टेबल से माध्य निकालने के लिए कहा गया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर यह हमें दे रखा है क्लास इंटरवल या CI और ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी बारंबारता F। क्या करना है, इसे कौन से मेथड से करें? इसे हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा भी कर सकते हैं और कल्पित माध्य विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो यहां पर इसे हम कर लेते हैं कल्पित माध्य विधि द्वारा। तो सबसे पहले x निकालना होगा। कैसे निकालते हैं x? जो भी हमें यहां पर क्लास इंटरवल यानी कि जो वर्ग अंतराल है इसके मिड का नंबर चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे और जोड़ने के बाद उनका आधा कर लेंगे। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 65 प्लस 68 बटे 2। इन दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 8 5 13 और 6 6 12 और 1 13 बटे 2। इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 6 12 और 0.5 66.5। इसी तरह से इनके मिड का जो डिफरेंस है वो है 3 नंबर का। तो क्या करना है, इसमें हमें 3 नंबर ऐड करते जाना है। तो 66 के बाद नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाएगा कितना, 69.5। 69 और 3 कितने होते हैं, 72, 72.5। नेक्स्ट कितना मिल जाएगा यहां पर, 75, 75.5। नेक्स्ट हमें मिल जाएगा 78.5, 78.5 और अगला मिल जाएगा 81.5 और इससे नेक्स्ट वाला मिलेगा 84.5। अब क्या करना है, इसमें से हमें a का मान निकालना है। तो d बराबर होता है x माइनस a, तो a इसमें से हम गिनेंगे कितने टोटल हमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सात वैल्यूज दे रखी हैं। इनमें से मिड का जो बीचों बीच हमें दे रखा हो वर्ग अंतराल उसका वाला हमें x मान लेना है a। तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 3 ऊपर छोड़ दिए, 1 2 3 3 नीचे छोड़ दिए, तो ये हो गया हमारा a। क्या करना है, x माइनस a, इसमें से इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है। 66.5 में से कितना, 75.5 को माइनस करना है। तो कितना मिलेगा यहां से, ये तो 0, ये इधर 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9। कितना मिल गया यहां से, 9 और कैसा, माइनस का। नेक्स्ट मिल जाएगा माइनस का 6.0, नेक्स्ट मिल जाएगा माइनस का 3.0 और ये 0 आ जाएगा। इधर 3.0, इधर 6.0 और ये 9.0। तो पॉइंट के बाद के जीरो का कोई मीन नहीं होता, तो इन्हें यहां से हम हटा सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये
यहां से माइनस का 9, ये माइनस 6, माइनस 3, 0, 3, 6 और 9। अब क्या निकालना है, एफ इंटू डी की वैल्यू निकालनी है। जो यहां पर हमें एफ दे रखा है और डी दे रखा है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहां से दो नेम कितना होता है 18, माइनस की संख्या इसलिए माइनस के 18, 4 6 24 माइनस का, 3 3 9 माइनस के, इधर 8 और 0 की मल्टीप्लाई 0, नेक्स्ट 7 3 21, अगला मिल जाएगा 4 6 24 और ये दो नेम 18। अब क्या करना है, इनका हमें योगफल ज्ञात कर लेना है। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी। तो यहां पर माइनस माइनस के जो नंबर्स हैं इनको ऐड कर लेना है, साथ ही साथ जो प्लस वाले हैं इनको भी ऐड कर लेना है। तो इन्हें जोड़ लेते हैं, 9 4 13 13 और 8 21 का 1 हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5, ये आ गया कितना माइनस का 51। इसी तरह से इनको भी जोड़ लेते हैं, 8 4 12 12 और 1 13 हासिल का 1, 1 और 1 2 2 4 2 6, तो ये मिल गया 63। तो ये कितना हो जाएगा 63 माइनस का कितना 51। इन्हें सॉल्व करने पर कितना मिल जाएगा 12। अब इस एफ को भी निकाल लेते हैं, इसका जोड़ सिग्मा एफ या इसे हम एन भी कहते हैं, इन्हें जोड़ेंगे 2 4 6 3 9 8 17 7 24 24 और 4 28 और 2 30, 30 हो गए। क्या निकालना है, माध्य, माध्य एम बराबर होता है कितना ए प्लस का सिग्मा एफ डी अपॉन एन। वैल्यू रखेंगे, ए हमने माना था 75.5, तो 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 12, 12 अपॉन एन कितना है 30। इसे कट कर लेते हैं, ये 6 5 30, 6 2 12 है, तो ये कितना मिल गया 75.5 प्लस, इसे 5 से 2 के लिए भाग देंगे तो कितना मिलेगा 5 4 20, तो 0.4। तो ये हमें मिल गया कितना 5 और 4, कितना हो गया 9, और ये 75 ऐसा का ऐसा ही। तो माध्य M यहां से हमें कितना मिल गया 75.9, और ये हमें किसमें दे रखा था प्रति मिनट, तो प्रति मिनट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, और यह हमें एक टेबल गिवन है। फिर कहा है एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक पेटी में औसत कितने आम रखे गए हैं वो हमें यहां पर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है, उसका रीजन ये है, यहां पर जो आमों की हमें संख्या दे रखी है उसे ध्यान से देखें, 50 से 52, और अगली जो बारंबारता सॉरी वर्ग अंतराल है वो 52 से स्टार्ट ना होकर के 53 से 55 दे रखा है, फिर ऐसे ही
55 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये 56 से 58 दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो वर्ग अंतराल है वो सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो इसे हम क्या करें, इसको सतत बनाने के लिए क्या करते हैं, जो निम्न वर्ग सीमा है, ये निम्न वर्ग सीमा है, और इस निम्न वर्ग सीमा से क्या करना है, इसमें से हमें 0.5 मतलब आधा ये करना है माइनस, और जो उच्च वर्ग सीमा दे रखी है ये वाली उच्च वर्ग सीमा, इसमें से हमें क्या करना है 0.5 इसे करना है प्लस। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है वो सतत हो जाएगा। लेकिन ये केवल उन्हीं क्वेश्चन में किया जाएगा जहां पर इस पहले वाले वर्ग अंतराल का उच्च वर्ग सीमा और दूसरे वाले वर्ग अंतराल की निम्न वर्ग सीमा में सिर्फ एक अंक का अंतर होता है। तो यहां पर नई जो वर्ग अंतराल बनेगी वो क्या रहेगी, यहां पर 50 में से 0.5 कम करेंगे तो ये बन जाएगा 49.5 माइनस से लेकर के 52 में क्या करना है, ये 0.5 जोड़ देने हैं तो ये बन जाएगा 52.5। नेक्स्ट इसी तरह से जब इसमें से 0.5 करेंगे माइनस करेंगे तो ये कितना रह जाएगा 52.5, और इधर ये कितना हो जाएगा 55.5। नेक्स्ट इसी तरह से ये हो जाएगा 55.5 से कितना 58.5, ये कितना हो जाएगा 59.5 से 58.5 से 61.5, और ये हो जाएगी 61.5 से लेकर के 64.5 तक। तो हमारी जो वर्ग सीमा है वो कौन सी वाली मान्य है, ये वाली, ये हमारी रियल वर्ग अंतराल है। अब ये हमें दे रखा है क्लास इंटरवल CI और ये फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। क्या करना है, नेक्स्ट हमें निकालना है x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके इनका आधा करना है। तो यहां पर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अलग, तो ये कितना मिल जाएगा 49.5 और ये 52.5, दोनों को ऐड करेंगे 5, 5, 10 हासिल का 1, ये हो गया 10 और 2, 12 है, और ये 5, 5, 10 102, और इसका आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 51। तो पहला x का मान मिल गया हमें 51। नेक्स्ट अब ये देखते हैं इनमें कितने का अंतर है, 3-3 का अंतर है, दोनों वर्ग अंतराल जो सीमाएं हैं, वर्ग सीमाएं हैं, इनमें 3 का अंतर है, तो 3 क्या करें ऐड करते चले जाएं। तो यहां पर इस वाली में 3 ऐड करेंगे 51 में तो कितना मिल जाएगा ये 54। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे तो ये 57 मिल जाएगा 57, और ये 60 मिल जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट वाला हमें मिल जाएगा यहां पर 63। अब क्या निकालना है, यहां से इसे कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड से, तो ये क्या निकालना है एफ एक्स की वैल्यू। तो एफ हमें ये दे रखा है, एक्स का मान हमने ये निकाल लिया है, इन दोनों की कर लेते हैं गुणा, तो 15 एकम 15 है, 15 का यहां पर 5 हासिल का 1, 15 पंजे 75 और 1 हासिल का हो गया 76। नेक्स्ट इसकी गुणा कर लेते हैं, तो यहां पर 54 0 0 54 एकम 54 का 4 हासिल लगे 5, 54 एकम 54 और 5 59। इसी तरह से 135 और 57 की गुणा कर लेते हैं, 135 की 57 से
गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 3 21 और 3 24 हासिल 2, 7 1 7 और 2 9। नेक्स्ट 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 हासिल का 1, 5 1 5 और 1 6। इन्हें जोड़ लेंगे, 5 ये हो गया 9, 9 7 16 का 6 और ये 7, तो ये हो गया 7695, 7695। नेक्स्ट गुणा कराएंगे, 0 ऐसा का ऐसा ही, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 1 6 और 3 9, 6 1 6 6900। इसी तरह से इसकी गुणा करा लेते हैं, 25 3 75 के 5 हासिल लगे 7, 25 6 का 150, 150 और 7 कितने हो गए 157। इनको ऐड कर लेते हैं, कितना मिलेगा सिग्मा एफ एक्स, जोड़ेंगे 5 5 10 और 5 15 के 5 हासिल 1, 1 और 6 7 4 11 है, 11 और 9 20, 20 और 7 27 के 7 हासिल 2, 2 7 9 9 18 18 6 24 24 और 9 24 और 9 हो गए 33, 33 और 5 हो गए 38 हासिल 3, 3 और 1 4 4 6 10 10 7 17 17 और 5 22, तो ये वैल्यू हमें मिल गई 22875। एफ की भी वैल्यू ये निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ कितना होगा, यहां पर 5 5 10 5 15 और 5 20 का 0 हासिल 2, 2 और 2 4 1 5 3 8 8 1 9 और 1 10 हासिल 1, 1 और 1 2 2 और 1 3 और 1 4 ये मिल गया 400। तो माध्य M कितना होगा, इसके लिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो यहां पर हमें क्या दे रखा है सिग्मा एफ एक्स का मान 22875 अपॉन सिग्मा एफ का मान कितना है 400, तो यहां पर 4 से भाग दे लेते हैं इसे 22875 को, 22875 कितना मिलेगा 4 5 20 हासिल बचे 2 और ये 8, 4 7 28 7 उतार लिए, 4 1 4 3 5 5 उतार लिए, 4 8 32 3 5 पॉइंट लगाया 0 उतार लिया, 4 7 28 यहां पर 2 5 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लिए, 4 5 20 तो कितना आ जाएगा, यहां पर नीचे 100 और भी है, इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणा 100, तो 100 से इसे और भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 57.1875 ये आ गया M। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या M बराबर कितना 57.1 और यहां पर 9, इतने ये हमें क्या दे रखी है आम, तो इतने आम, या 57.2 भी लिख सकते हैं इसे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित सारणी किसी कॉलोनी के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दिखाती है, और यह हमें टेबल गिवन है और यहां पर दिया है 25 परिवार, तो ये टोटल फैमिलीज हमें दे रखी हैं कितनी 25, तो यहां पर सिग्मा एफ या एन हमको 25 पहले ही दे रखा है,
या इसे हम ऐड भी कर सकते हैं, तब भी हमें 25 ही मिलेगा। एक उपयुक्त विधि के माध्यम से भोजन पर हुआ माध व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें माध व्यय की गणना करनी है। कैसे करेंगे? तो ये हमें दे रखा है क्लास इंटरवल यानी CI और ये बारंबारता F फ्रीक्वेंसी। इसे हम करते हैं पग विचलन विधि से। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले x सभी में निकालना ही होता है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके और उसका आधा या इसके बिल्कुल बीच की संख्या। तो 100 150 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 250, 250 का आधा होता है 125 और इसमें 50-50 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट हमें नंबर मिल जाएगा 175, 225, नेक्स्ट मिलेगा 275 और 325, इतना मिल जाएगा। अब क्या करना है, हमें निकालना है U। तो U की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? जितने भी हमें यहां पर वर्ग अंतराल दे रखे हैं उनमें बीच वाला नंबर, तो ये रहा मिड का, इसे हम मान लेते हैं A और इसके सामने वाला यहां पर लिखना है 0। अब ये देखते हैं कि जो वर्ग अंतराल है वो किस तरफ घट रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो इधर ऊपर से हम देखें तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है मान, तो बढ़ रहा है तो इसे क्या करना है, इधर हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है नंबर्स, तो 0, 1 और 2 इधर बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। नेक्स्ट ऊपर जाएंगे तो घटते हुए क्रम में, कितना, माइनस का 1 और ये माइनस का 2। अब क्या करना है, एफ इंटू यू का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? एफ और इस यू जो भी हमने यहां पर माने हैं निकाले हैं, इनकी गुणा करानी है। तो 4 × 2 = 8, ये हो गया माइनस का 8, 5 × 5, ये माइनस का 5 हो गया, 12 और 0 की गुणा 0, 2 और 1 की गुणा 2 और यहां पर 2 × 2 = 4। वैल्यू निकालनी है सिग्मा एफ यू, इन दोनों को जोड़, सबको जोड़ लेना है। तो माइनस माइनस वाले जोड़ लेंगे, 8 और 5 = 13 है माइनस के, 2 और 4 = 6 प्लस के, तो 6 − 13 है, कितना मिल जाएगा, माइनस के 7। इसी तरह से एफ, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया है, तो माध एम बराबर फार्मूला होता है ए प्लस का सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच। एच क्या होता है, जो भी जिस वर्ग अंतराल में हमने ए माना है उस वर्ग अंतराल में यहां पर कितना अंतर है वो एच का मान होता है। तो ए कितना है यहां पर 225 प्लस सिग्मा एफ यू, कितना निकाला है, माइनस का 7 इंटू एच का मान कितना है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 50 का, तो ये रहा 50 और ये 25 एन का मान, तो 25 × 50 ये मिल गया 225 प्लस और माइनस माइनस, 7 × 2 = 14 है, ये माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा यहां से 211 है और एम। तो ये हमें दैनिक व्यय रुपए में दे रखा था, तो ये भी किसमें मिलेगा हमें, रुपए में। तो माध एम का मान आ गया 211 रुपए, माध व्यय कितना हो गया 211 रुपए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य 50 है किंतु वर्गों 20 से 40 तथा 60 से 80 की बारंबारताएं F1 तथा F2 का मान अज्ञात है, तो F1 तथा F2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें ये टेबल दे रखी है और कहा है कि जो 20 से 40 वाला वर्ग अंतराल है इसकी बारंबारता F1 और जो 60 से 80 है
उसकी बारंबारता F2। ये इन दोनों के मान कैसे हैं? अज्ञात हैं, हमें ज्ञात करने हैं। साथ ही साथ इन बारंबारताओं का जो योग है वो हमें दे रखा है कितना, 120। तो इसे किस तरह से ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें माध्य ज्ञात करने के लिए x की जरूरत होती है, तो वो x निकाल लेते हैं जो कि दिए गए वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु होता है। तो 0 और 10 का मध्य बिंदु आ जाएगा 10, इसी तरह से 20 और 40 के बीच का 30 और इनके बीच का 50 और नेक्स्ट मिलेगा कितना, 70 और नेक्स्ट मिल जाएगा 90। अब क्या करना है, क्या चाहिए, एफ एक्स डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो इसे डायरेक्ट मेथड में हमें जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य एम या एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर हमें एफ एक्स की जरूरत है, वो एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं। तो एफ जो कि बारंबारता है ये, और एक्स ये हमने निकाल लिया है, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 17 और 10 की गुणा कराएंगे तो मिल जाएगा कितना, 170। इसी तरह से 30 और F1 की गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा 30F1। 50 और 32 की गुणा कराएंगे तो 0 ऐसा का ऐसा ही, 5 दूनी 10 का 0, 5 तीन 15 और 1 हासिल का कितने हो गए, 16। ऐसे ही 70 और F2 की गुणा कराएंगे तो ये 70F2, इधर गुणा कराएंगे 19 और 90 की गुणा, तो 0 ऐसा का ऐसा ही, 19 नेम होते हैं 171, तो ये हो गया 1710। इसका भी योगफल ज्ञात कर लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स कितना मिलेगा यहां से, तो जो अंक है ये वाला एफ वन और ये एफ टू, ये तो ऐड होगा नहीं, बाकी ये 170, 1600 और ये 1710, ये सारे जोड़ लेने हैं। तो 0 0, फिर 7 7 और 1 8, यहां पर 1 6 7 और 7 14 के 4 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, ये मिल गया 3480। अभी इसमें 30 F1 और 70 F2 जोड़ना बाकी है, तो 30 ये मिल जाएगा 30 F1 प्लस का 70 F2। इधर इनका भी योगफल देख लेते हैं बारंबारताओं का, तो ये हमें n वैसे तो दे ही रखा है 120, लेकिन अगर इन्हें जोड़ें तो भी हमें कुछ अलग मिलेगा, वो क्या रहेगा, तो 7 2 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 1 और 1 2 3 5 और 1 6 68 प्लस ये F1 और ये F2, ये दोनों ऐड हुए नहीं हैं तो क्योंकि ये नंबर नहीं है, तो क्या करें, इनको ऐसा का ऐसा ही जोड़कर लिखना है कितना, F1 प्लस F2। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंस n बराबर कितना दिया गया है 120 और n की वैल्यू हमने निकाली है कितना, 68 प्लस का F1 प्लस का F2 और ये बराबर में 120। सॉल्व करेंगे, F1 प्लस F2 बराबर 120, 68 को उस साइड लेकर जाएंगे ये हो जाएंगे माइनस के, तो F1 प्लस F2 बराबर कितना मिलेगा यहां से, 10 में से 8 गया 2, इधर रह गए 11, 11 में से 6 गए 5, तो समीकरण नंबर हमें यहां से मिल गई 1, F1 प्लस F2 बराबर 52। साथ ही साथ माध्य का ये सूत्र होता है तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। माध्य यहां पर कर लेते हैं, माध्य M बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो यहां पर माध्य हमें दे रखा है कितना, 50। साथ ही साथ सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये हमने निकाल रखी है
3480 प्लस का एफ वन प्लस का सॉरी 30 एफ वन प्लस 70 एफ टू अपॉन एन की वैल्यू ये हमें पहले ही दे रखी थी कितनी 120। चाहे तो हम ये f का मान जो 68 प्लस का f1 प्लस f2 ये भी रख सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम यहां पर n की वैल्यू 120 ही रख देते हैं, जिससे जो समीकरण है वो आसानी से बन सके। तो क्या करना है, अपॉन में करना है 1 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, 50 के गुणे में आ जाएंगे 120 और 1 चला जाएगा इसके गुणा में, तो ये ऐसा का ऐसा ही। तो 3480 प्लस का 30 F1 प्लस का 70 F2 सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ये 12 5 60 और 2 जीरो हैं 6000, ये माइनस का 3480 इधर ले आए तो ये माइनस के हो गए, बराबर 30 F1 प्लस का 70 F2। तब क्या मिलेगा यहां से, 30 F1 प्लस का 70 F2 बराबर, इसे माइनस कर लेंगे, 0 से 0 इधर 0 से 8 जाएगा नहीं, तो इधर 2.5 लेकर के कर लिया हमने 10, 10 में से 8 गया 2, इधर बचा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, इधर रहे 5, 5 में से 3 गया 2, यहां से 10 दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 3 F1 प्लस का 7 F2 बराबर, इधर 2520 इसे हम लिख सकते हैं 252 गुणे 10, तो यहां पर 10 से 10 ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 3 F1 प्लस का 7 F2 बराबर 252, समीकरण नंबर ये हो गई 2। क्या करना है, समीकरण 1 ये और समीकरण 2, इन दोनों को सॉल्व करके F1 और F2 के मान ज्ञात करने हैं। तो समीकरण सेकंड वाली ये रही, तो इसमें क्या करें, ये कोई भी F1 या F2 को इसमें बराबर कर ले रहे हैं समीकरण 1 में, तो यहां पर हम बराबर कर रहे हैं F1 को, इधर 3 F1 है तो इधर भी क्या बना लें 3 F1, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो इसे गुणा करा लेते हैं कितना मिलेगा, 3 F1 प्लस 3 F2 बराबर, इधर ये 3 × 6 × 3 × 5 = 15 है 156, इधर दूसरी इक्वेशन क्या है, 3 F1 प्लस का 7 F2 बराबर कितना है 252, घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमें विलोपन विधि से F1 को खत्म करना है, तो यहां पर ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 3 F से 3 F1 ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये कैंसिल बचेगा 0, इधर 3 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, कैसा माइनस का और F2 बराबर, इधर माइनस करेंगे तो 156 से 252 तो माइनस होंगे नहीं, तो क्या करें 252 से 156 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा कितना, 12 में से 6 गया कितना बचेगा 6, इधर बचे कितने 4, तो इधर से 2.5 लेंगे हो गए 14, 14 में से 5 गया 9, इधर 1 बचा 1 में से 1 जाएगा 0, तो इधर माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, F2 बराबर कितना हो जाएगा 96/4, 4 से भाग दे देंगे 4 × 8
और एक बचा ये हो गया 16, तो 4 चौके 16, F2 का मान यहां से मिल गया 24। इस F2 का मान समीकरण एक में रख दे रहे हैं, तो F2 का मान समीकरण एक में रखने पर F1 प्लस F2 बराबर 52, तो F1 ऐसा का ऐसा ही प्लस F2 की जगह पर 24 बराबर 52। क्या करेंगे, F1 बराबर 52, 24 को ले गए उस साइड तो माइनस का हो जाएगा, इधर 12 में से 4 जाएंगे बचेंगे 8, इधर रह गया 4, 4 में से 2 हो गया 2, और इधर F1, तो F1 की वैल्यू आ गई 28। तो अतः F1 बराबर 28 और F2 बराबर कितना है 24, यही दोनों हमसे पूछे गए थे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, क्या दिया गया है, निम्नलिखित संचयी बारंबारता, यहां पर ये हमें जो बारंबारता दे रखी है वो संचयी बारंबारता है, बंटन से विद्यार्थियों के अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस टेबल से हमें क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है, तो कैसे इसको निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखें, हमें तो ये अंक दे रखे हैं जो कि वर्ग अंतराल यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो यहां पर 0 से ऊपर, तो 0 से ऊपर है और इधर है 100 से ऊपर, तो क्या करें, यहां पर हम अगर ध्यान से देखें तो 0 से 10 20 30 सब में 10-10 का अंतर है, तो क्या करें, इनको 10 के रूप में ही यहां पर वर्ग अंतराल बना लेते हैं, तो वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे, यहां से इधर से बनाते हुए चलते हैं, 100 और 100 से ऊपर यानी 110 तक, फिर 90 से ऊपर तो 90 से 100 तक, और 80 से 90 तक, और यहां पर 70 से 80 तक, इधर 60 से 70 तक, और इधर 50 से 60 तक, 40 से 50 तक, यहां पर 30 से 40 तक, और यहां 20 से 30 तक, और इधर 10 से 20 तक, और यहां पर 0 से 10 तक। क्या करना है, ये जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली है, अब इसको विद्यार्थियों की संख्या ये भी हमें नहीं दे रखी है वो भी निकाल लेंगे, तो ये हो गया हमारा सी आई, और यहां पर हमें निकालना है बारंबारता एफ का मान। कैसे निकालना है, तो 100 से ऊपर मतलब 100 और 110 के बीच में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 0, फिर 90 से ऊपर मतलब 90 से जिसके ज्यादा नंबर आए हैं मतलब 90 और 100 के बीच में नंबर आए हैं ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, यहां पर 8। इसी तरह से 80 से जो ऊपर हैं उन वो सारे के सारे विद्यार्थी कितने हैं, 10, तो 10 में ये 8 जो विद्यार्थी हैं ये भी जुड़े हुए हैं, तो क्या करें, टोटल है 10 और ये 8 हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहां पर इन दोनों के बीच का हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा कितना, 2, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं यहां पर 2, 80 और 90 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं। इसी तरह से इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना, 6,
तो 70 से 80 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो गई 6। इसी तरह से यहां पर देखेंगे तो कितना डिफरेंस मिलेगा, 12। तो 60 से 70 के बीच में नंबर जितने जिन विद्यार्थियों के आए हैं उनकी संख्या है 12। नेक्स्ट 43 और 28, इसमें कितने का अंतर है, यहां पर 13 में से 8 गया 5, इधर रह गया 3, 3 में से 2 गया 1, 15। तो 50 से 60 के बीच में नंबर आए हैं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है 15। 55 और 43, ये कितना हो गया, 12। तो 40 से 50 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 12 हो गए। नेक्स्ट इनके बीच का डिफरेंस 10, तो यहां पर 30 से 40 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 10 हो गए। 72 और 65 के बीच में कितने का अंतर है, यहां पर 7। तो 20 से 30 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हो गए 7, और 77 और 72 के बीच का डिफरेंस है 5, तो यहां पर 10 और 20 के बीच में नंबर आए ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 5 हो गई, और यहां पर अंतर है कितने का, 3 का। तो 0 से 10 के बीच में जिनके नंबर आए हैं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है 3। तो ये वर्ग अंतराल हमने ये ज्ञात कर लिया और बारंबारता ये हो गई। अब क्या करना है, x का मान निकालना है। x क्या होता है, इन दोनों के बीच का नंबर। तो 0 और 10 के बीच में 5, इधर 15, 25, 35 और यहां पर 45, 55, 65, 75, 85, 95 और ये 105। अब क्या करना है, यहां पर इसे भी हम पग विचलन विधि से ही कर लेते हैं, U का मान निकाल लेते हैं। तो टोटल हमें कितनी वैल्यू दे रखी है यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल हमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं 11, तो क्या करें, बीच का नंबर होगा 6वां पद। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया ए, इधर भी 5 छोड़ दिए, ऊपर भी 5 छोड़ दिए। इसके सामने लिख लेंगे 0, यहां पर 1, 2, 3, 4 और ये 5। ऊपर घटते क्रम में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और ये माइनस का 5। अब निकाल लेते हैं F गुणा U का मान। तो यहां पर F है 3, 5 15, माइनस के 15, 5 चौके 20, 7 तीया 21, 10 दूनी 20, 12 एकम 12, 15 और 0 की गुणा 0 आ जाएगी, 12 और 1 की गुणा 12 है, 6 दूनी भी 12 होते हैं, 2 तीया 6, 8 चौक 32 और यहां पर 0 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनको ऐड कर लेते हैं तो यहां पर सिग्मा एफ यू कितना मिलेगा, माइनस माइनस वाले सारे ऐड कर लेंगे, 15 और 20 हो गए 35, 35 और 20 हो गए कितने, 55, 55 और 1 56, 56 और 20 76, 76 और 2 हो गए 78, 78 और 1 88, यहां पर माइनस का 88। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 5 और 1 6, 6 2 8 का 8 और यहां पर 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8। नेक्स्ट इनका ऐड कर लेते हैं तो 2, 2, 4, 6, 10, 10 और 2, 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 1 3 और 3 6। क्या करना है, 62 माइनस 88, इनको माइनस कर लेंगे कितना मिल जाएगा, इधर 8 में से 2 गया 6, 8 में से 6 गए 2, माइनस का आ गया 26 और यहां पर F की वैल्यू इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 80।
सिग्मा एफ या फिर एन का मान मिल जाएगा 80। 3, 5, 8, 7, 15, 15 और 2, 17, 17 और 5, 22, 22 और 2, 24, 24, 36, 30 और 10, 40 का 0 हासिल 4, 5, 6, 7, 8 हो गए 80। माध्य m बराबर फार्मूला होता है a प्लस का सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच। ए का मान हमने यहां पर कितना माना था, ये 55, तो ए के स्थान पर 55 रख दिया प्लस सिग्मा एफ यू, ये हमने निकाल लिया है कितना, माइनस का 26, एन का मान है 80 और एच इसके जस्ट सामने वाले ये, इनमें कितना डिफरेंस है यहां पर 10 का, तो 10 जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया। 8 से 26 के लिए दे लेते हैं भाग, 8 3 24 यहां पर बचा 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, 8 2 16 है बचे 4, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 5 40 तो यहां से हमें मिल गया 55 और ये माइनस का है तो माइनस कितना मिल जाएगा 3.25। तो 55 में से यहां 55.003.25 माइनस कर लेंगे, यहां से बचा कितना, इधर 5, इधर 7, यहां पर रह गए 4, 4 में से 3 गया 1 और ये 5, 51.75, 51.75 और ये m, ये क्या थे, अंक थे, तो इतना अंक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और कहा गया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए और ये हमें टेबल यहां पर दे रखी है, तो यहां से हमें माध्य ज्ञात करना है। प्राप्तांक हमें इस तरह से दे रखे हैं, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम, और ये छात्रों की संख्या दे रखी है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा जो कि हमें दिया नहीं है, तो वर्ग अंतराल इसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्लास इंटरवल और शॉर्ट में लिखते हैं CI। तो कैसे वर्ग अंतराल बनाएंगे, 5 से कम और 10 से कम, तो यहां पर हम अगर ध्यान से देखें तो 5 5 का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस लेकर ही वर्ग अंतराल क्रिएट कर लेते हैं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 35 से 40, बस यहीं तक, 40 से कम तक दे रखा है तो 40 तक हमने क्रिएट कर लिया। यहां पर बारंबारता, हालांकि हमें छात्रों की संख्या दे रखी है लेकिन ये किस तरह की छात्र दे रखी है, यहां पर हमें दिया है 5 से कम जिनके नंबर आए हैं ऐसे छात्रों की संख्या है 3, तो ये 0 से 5 के बीच में जिन छात्रों के नंबर आए हैं ऐसे छात्रों की संख्या हो गई 3। अब कहा गया है जिन छात्रों के 10 से कम मार्क्स आए हैं उन छात्रों की संख्या है 10, तो यहां पर ये 5 से कम वाले भी इसमें ऐड हो रखे हैं, पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इनका अंतर लेना पड़ेगा। तो यहां पर कितने का डिफरेंस है, 7, तो 5 से 10 के बीच में जिनके नंबर आए हैं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या हो गई 7। इसी तरह से नेक्स्ट 15 का अंतर है, तो यहां पर नेक्स्ट विद्यार्थियों की संख्या हो गई 15 जिनके नंबर 10 से 15 के बीच में आए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आगे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2,
तो यहां पर 15 से 20 जिनके नंबर आए हैं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या हो गई 24। इसी तरह से यहां पर इनके बीच का अंतर कितना है, 15 में से 9 गया 6, यहां पर बचे 5, 5 में से 4 गया 1। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जिनके 20 से 25 के बीच में नंबर आए हैं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या हो गई 16। इधर 65 और 73 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का। तो यहां पर 8 हो गए, इनके बीच का डिफरेंस है 5, तो नेक्स्ट हमें मिल जाएगी बारंबारता 5 और इनके बीच का डिफरेंस है 2, तो ये हमें मिल जाएगा 2। इसे हम पग विचलन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का नंबर, तो 0 और 5 के जस्ट बीच में आता है 2.5। इसी तरह से 5 और 10 के बीच में कितना आएगा, 7.5। तो यहां पर कितने का अंतर है, 5 का। तो नेक्स्ट हमें मिल जाएगा 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, यहां पर 32.5 और लास्ट मिल जाएगा 37.5। अब हमें क्या करना है, U का मान निकालना है। U कैसे निकालेंगे, टोटल हम वर्ग अंतराल यहां पर गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां पर इधर ये 3 छोड़ दिए, इधर ये 3 छोड़ दिए, बीच में बचे 2, ये इनमें से किसी एक को हम क्या कर रहे हैं, ए यहां पर मान लें, चाहे 17.5 को या फिर 22.5 को। तो मैंने यहां इसे ए सपोज कर लिया और इसके जस्ट सामने 0 लिख लिया। क्या करना है, जिधर ये नंबर बढ़ रहे हैं उधर लिखना है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। जिधर ये वैल्यू कम हो रही है उधर -1, -2, -3 और -4। नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड करने हैं एफ इंटू यू की, एफ यू निकालना है। तो एफ रहा ये और यू ये, तो 3 चौके 12 माइनस के 12 हो गए, 7 3 21, 15 2 30, 24 1 24, 16 0 0, 8 1 8, 5 2 10 और यहां पर 2 3 6। इनको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ यू का मान निकाल लेंगे। तो प्लस प्लस की वैल्यू को ऐड कर लेंगे और यहां पर माइनस माइनस की वैल्यू ऐड कर लेंगे। तो यहां पर 2 1 3 3 और 4 7 हो गए। इधर 1 2 3 3 3 6 और 2 8, ये हो गया माइनस का 87। इधर 8 6 14 है और 1 और 1 हासिल का 2 प्लस का, तो ये मिल गया 24 और इधर माइनस का 87। तो 7 में से 4 गया बचा 3, यहां पर कितना बचा 8, 8 में से 6 2 गया, 6 बचा माइनस का 63। तो यहां पर माध्य M फॉर्मूला होता है A प्लस का सिग्मा F U अपॉन N इंटू H। वैल्यू रखेंगे, A का मान कितना है यहां पर 22.5 प्लस सिग्मा एफ यू, ये कितना है माइनस का 63 बटा एन, एन का मान 80 गुणा एच। एच क्या होता है, जो भी हमने यहां पर ए माना है उस वर्ग अंतराल में इन दोनों का अंतर। तो 20 और 5 के बीच का अंतर कितना है, सॉरी 25 के बीच का अंतर कितना है 5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 16 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये मिला 22.5 प्लस माइनस माइनस, इसे माइनस और 16 से भाग देंगे, 16 से 63 के लिए भाग दे देते हैं, 16 3 48, यहां पर 13 में से 8 गया 5, इधर
पांच में से एक गया, पांच में से चार गया, एक पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया। यहां पर 16 × 144, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लिया, 16 × 3 = 48। नेक्स्ट यहां पर बचेंगे 12, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लिया, 16 × 7 = 112। तो ये लगभग आ जाएगा, यहां पर एक ऐड हो जाएगा, 3.94, ये हो जाएगा 3.94। इस 22.5 में से इसको माइनस कर देते हैं, 22.5 में से 3.94, इधर जीरो बढ़ा लिया, इधर 10 में से 4 गया, 6 बचा, इधर रह गया 4, 14 में से 9 गया, यहां पर 5 बचा, इधर 1 रह गया, तो इधर हो गया 21, 21 में से 3 गया 18, 18.56, तो माद आ गया 18.56 आंसर। इतने अंक, क्योंकि ये हमें प्राप्तांक दे रखे थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक माध्यिका लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।